सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब का स्वागत है साडे चैनल पंजाबी क्लास विच। दोस्तों, पंजाब सरकार वालों एक अहम फैसला किया गया है जिस तो बाद स्कूलों विच हुण वड्डे बदलाव देखने को मिलेंगे। जी हां, इस दे नाल चलदियां स्कूलों लई नोटिस भी जारी कर दिया गया है। सो दोस्तों, तुहानू दसदे हां की है वह फैसला ते की होंगे बदलाव। सो दोस्तों, सीधा ही खबर वाल वधदे हां। दोस्तों, जिवें कि तुसी देख सकते हो, यह नोटिस जारी किया गया है। उपर साफ तौर पर लिखा हुआ है दफ्तर जिला सिक्ख्या अफसर SC कम जिला प्रोजेक्ट अफसर। सो तुसी इत्थे मिति भी पढ़ सकते हो 17/3/2022। सो पढ़ते हैं विशा, सरकारी एडिड प्राइवेट अन एडिड स्कूलों विच काम करदे अयोग अध्यापक बारे। सो हवाला दिता गया है जिस पत्र का, वह है दफ्तर डायरेक्टर सिक्ख्या विभाग पंजाब मोहाली का। पत्र नंबर ए है, मिति 16/3/2022। सो आओ पढ़ते हैं इसनू। हवाला अधीन पत्र नाल प्राप्त हुए भारत सरकार सिक्ख्या मंत्रालय स्कूल सिक्ख्या ते साखरता विभाग शास्त्री भवन नवी दिल्ली दे पत्र मिति 17/11/2021 अनुसार आप नू लिखा जाता है कि सिक्ख्या दा अधिकार एक्ट 2009 दी धारा 32 विच होई सोध मुताबक इन सर्विस अनट्रेन अध्यापक द्वारा मिति 31/3/2019 तक अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन हासिल करनी लाजमी सी, जिस करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग वालों ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड राही अनट्रेन्ड अयोग अध्यापकां नूं DL.ED कोर्स करन दी सुविधा भी दित्ती गई सी। परंतु यूडाइस सर्वे 2019-20 दी रिपोर्ट विच पंजाब राज दे कुल 33,407 अध्यापक अनट्रेन्ड अयोग पाए गए हन। भारत सरकार सिक्ख्या मंत्रालय स्कूल सिक्ख्या ते साखरता विभाग शास्त्री भवन नवी दिल्ली अते मुख दफ्तर द्वारा इन्हां अध्यापकां दे अनट्रेन्ड अयोग रह जाण दा अते स्कूलां वल्लों इन्हां नूं लगाए जाण दा कारण पुछा गया है। सो इस पत्र राही आप नूं लिखा जाता है कि अपने अपने ब्लाक अधीन आउंदे सरकारी सहायता प्राप्त अते प्राइवेट अन एडिड एलीमेंटरी स्कूलां विच पढ़ाउंदे अनट्रेन्ड अयोग अध्यापकां वॉलंटियरां दी सूची हेठ दित्ते परफार्मे विच हार्ड अते सॉफ्ट कॉपी दोनों राही इस दफ्तर नूं 3 दिनां दे अंदर अंदर भेजी जावे। इस नूं परम अगेती दित्ती जावे अते देरी अनगैली वरतों तो ग्रेज किया जाए। सो दोस्तों, ए नोटिस जारी किया गया है जिस विच दस्या गया है कि कुल पंजाब दे विच 33,407 इस तरह के अध्यापक हैं जेड़े या तो क्वालिफिकेशन तौर पर अयोग हैं या फिर अनट्रेड हैं। सो भारत सरकार वालों उन्होंने 31/3/2019 तक उन्होंने अपनी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन सी NIOS यानी कि नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग वालों वह उन्होंने पूरी करनी सी। जे उन्होंने पूरी कर ली है तो उसका सर्टिफिकेट जिहड़ा है वह उन्होंने दिखाना पड़ेगा। जे नहीं उन्होंने की है सो उन्होंने लिस्ट मंगी गई है। सो जल्दी ही उन्होंने अध्यापकों स्कूलों ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਸਰ ਇਹ 2017 ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ 2019 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਤੇ ਅਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਜ ਗਿਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।